गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। क्वेश्चन नंबर 18। पी इसके कोऑर्डिनेट्स ए कोमा बी है, इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। बिटवीन एक्सिस का मतलब है वो दोनों एक्सिस को काट रही है, एक्स एक्सिस को भी काट रही है, वाई एक्सिस को भी काट रही है। अब वो कैसे काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। तो अभी आपको कुछ अता पता नहीं है कि ए कोमा बी क्या है ना। मान लो ये होता 2.3 तो 100% वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से काट रही है, क्योंकि 2.3 तो मिड पॉइंट यही आएगा। तो जब तक आपको नहीं पता तो आप बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का ले लेते हैं, और अगर इधर एग्जैक्ट गिवन है तो फिर वैसे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते हैं हम। 2D प्लेन बिटवीन द एक्सेस हम एक लाइन बनाते हैं जिसका मिड पॉइंट बनाते हैं लाइक दिस। दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सेस। ओके, ये हो गई हमारा वो लाइन, और ये हो गया उसका मिड पॉइंट। ये तो हो गई लाइन और ये हो गया उसका मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट लाइन का तो हो ही नहीं सकता, लाइन सेगमेंट का होगा। तो कहां से लेके कहां तक का मिड पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है इसका मिड पॉइंट है। समझे क्या, समझे क्या? मिड पॉइंट कैसे भाई, मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट के लिए दो एंड पॉइंट्स तो चाहिए। तो जहां पे वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को काट रही है ना, उन दोनों का एंड पॉइंट्स मान लें, इसको और इसको, तो उसका मिड पॉइंट ये। ठीक है, ओके। सो लेट्स से जो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को काट रही है उसको तो हम ले लेते हैं ए और बी, और इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं पी, है ना। तो पी, उसने भी पी दिया है वैसे भी, ए कोमा बी उसके कोऑर्डिनेट्स। जैसे जैसे क्वेश्चन ने किया वैसे वैसे हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, कोई डाउट नहीं है। अब आपको बताना है कि इस लाइन की इक्वेशन शो करनी है कि ऐसे निकल के आएगी, या फिर ऐसे कह दो कि ऐसे पूछ रहे लाइन की इक्वेशन बताओ, प्रूव करो या फाइंड करो, एक ही बात है। समझ में आया क्वेश्चन? तो इस लाइन को मैं एल मान लेता हूँ, उसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है। नाउ यू विल टेल मी द स्ट्रेटेजी। दिस इज अवर लाइन एल, इसकी इक्वेशन कैसे बताएं बताओ। एनी हिंट्स? ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्योंकि ये लाइन साफ साफ दिखाई दे रही है कि दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। दिखाई दे रही है बेटा? तो ये लाइन साफ साफ दिखाई दे रही है कि दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म, आपको आंसर भी देखो प्रूव इंटरसेप्ट फॉर्म में ही करना है। और जब लाइन दो एक्सिस पे काटती है तो वहां पे इंटरसेप्ट फॉर्म बनती है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में बन जाएगी। तो यानी कि आपका मेन टास्क है कि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब आपने रास्ता तो बता दिया ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता करने, अब कैसे पता करें वो भी आप भी को सोचना है। अल्टीमेटली ए और बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करें, आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको ए और बी का एक एक कोऑर्डिनेट दे देता हूँ। इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, दूसरा पता करो। थैंक यू बोलो। ठीक है, एक एक कोऑर्डिनेट मैंने बता दिया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और क्योंकि वो वाई एक्सिस पर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। अब उसका तो एक्स कोऑर्डिनेट पता करो, उसका वाई कोऑर्डिनेट पता करो, कैसे करें? उनको एक्स और वाई रख दो हाल फिलहाल के लिए और फिर सॉल्व करें। यस, हाल फिलहाल के लिए इसको एक्स और उसको वाई, और सेक्शन फॉर्मूला के मिड पॉइंट केस से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। देखो है क्या, एक्स और वाई देके मिड पॉइंट पूछता है, अभी मिड पॉइंट देके एक्स और वाई पूछ रहा है, एंड पॉइंट्स देके मिड पॉइंट पूछता है, हमेशा ही उल्टा कर दिया, मिड पॉइंट देकर एंड पॉइंट्स पूछ रहा है, यही तो है डिफरेंस। ओके चलिए, तो स्टार्ट राइटिंग। ये सारा डेमोन्स्ट्रेट कर दिया हमने, हेयर लाइन एल कट्स कट्स इंटरसेप्ट्स इंटरसेप्ट्स एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एट द पॉइंट्स, एट द पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड ए के कोऑर्डिनेट्स जो भी हमने माने एक्स कॉमा जीरो, एंड बी के क्या माने हमने 0.y। फाइन, ऑल्सो
ऑल्सो इट इज गिवन दैट कि इसका मिड पॉइंट है ये, इट इज गिवन दैट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं कोमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये भी गिवन है, ठीक है फाइन. सो यूजिंग द मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला वी हैव यूजिंग द मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला वी हैव सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट केस लगाते हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, वी हैव बोलो ए की वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, मिड पॉइंट तो ये दोनों है ना, तो ए की वैल्यू क्या लिखेंगे जीरो प्लस एक्स डिवाइड बाई टू, और बी की वैल्यू क्या लिखेंगे वाई प्लस जीरो, एक इक्वेशन से एक एक्स की वैल्यू आएगी, एक इक्वेशन से वाई की वैल्यू आएगी, लिखेंगे बोलो ए इक्वल टू जीरो प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टू एंड बी इक्वल टू, बी इक्वल टू वाई प्लस जीरो या जीरो प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू, ठीक है क्लियर. तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई टू ए आई और वहां से वाई की वैल्यू आ गई टू बी आई. तो अब मेरे को एग्जैक्ट इंटरसेप्ट बताएं ए और बी की फॉर्म में, तो इंटरसेप्ट ही पता है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है ना. सो सो द इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल इन इट्स इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इट्स इंटरसेप्ट फॉर्म इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, सो क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए, यही होती है x बाई ए, लेकिन a की जगह तो 2a है, मतलब a की जगह x था तो x की वैल्यू क्या निकाली हमने 2a, तो x x बाई 2a, समझ आया. y बाय b होती है लेकिन b की जगह तो 2b है इक्वल टू 1, तो ये तो ओरिजिनल इक्वेशन होती है, इसमें से मैं 1/2 कॉमन लेके उधर भेज दूं तो x by a plus y by b 1/2 उधर जाएगा तो b 2 बन जा 2, आंसर इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन. ये प्रूव करना था, प्रूव वेरी इजी, हाँ इतना ही था बस, ये दिमाग लगाना था बस. ये सारा चैप्टर बहुत आसान है, बस स्टार्ट मिल जाए अपने को, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा, बहुत कुछ क्वेश्चन ही हैं जो कि जिनका कैलकुलेशन मुश्किल है, कैलकुलेशन करीब करीब सबका आसान है, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग. और वो कहते हैं ना, एक तो होता है मेहनत मजदूरी का चैप्टर, एक होता है ट्रिक ट्रिक वाला चैप्टर, दिमाग लगाने वाले थे, तो ये दिमाग लगाने वाला है, दिमाग सही ढंग से सही दिशा में लगा लो, ठीक है. और इंटरेस्टिंग है काफी, अगर कोई ढंग से इसको पढ़े ना, इंटरेस्ट लेके पढ़े ना, तो उसको उसका तो फेवरेट चैप्टर हो जाए, इंटरेस्ट लेके पढ़ना पड़ेगा बस, ठीक है. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी सीक्वेंस का लग रहा है क्या, देखो एच कॉमा के डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इन द रेशियो 1:2 फाइंड द इक्वेशन, सेम टू सेम वही है. देखो वहां पे मिड पॉइंट गिवन था, यहाँ पे एक एग्जैक्ट रेशियो गिवन है, एक तरीके से वहां पे भी रेशियो गिवन था 1:1, वहां पे भी रेशियो गिवन था, मिड पॉइंट होने का मतलब क्या होता है 1:1, यहाँ पे एच कॉमा के है, वहाँ ए कॉमा बी है, तो एच कॉमा के, तो वहां पे देखो इक्वेशन ए और बी में बनी थी, यहाँ पे इक्वेशन एच और के में बनेगी, और एक हमारे पास रेशियो भी गिवन है, तो उसी में अगर मैं चेंजेस करूं तो 1:2 रेशियो, यानी कि पहले तो क्या था, इधर देखो स्क्रीन पे ये 1 और ये भी 1 ऐसे था, लेकिन अब क्या है नीचे से 1 और ऊपर से 2, 1:2. अच्छा डाउट ये हो सकता है सर, 1:2 ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर आए, तो बेटो बाई डिफॉल्ट अगर उसने कुछ नहीं कहा तो नीचे से ऊपर जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पहली एक्सिस होती है, वाई एक्सिस दूसरी एक्सिस होती है, तो मैं अभी भी आपसे कहूंगी बेटा बताओ बेटा दो कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी होती है, तो ऑब्वियसली 100 में से 99 लोग यही कहेंगे सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई एक ही होगा अनोखा जो कहेगा सर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो पहला जिक्र एक्स एक्सिस का होगा, तो मैंने क्या कहा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो कट लग रहा है उस वो रेशियो 1:2 है, तो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस इंटरसेप्ट का रेशियो 1:2 है, ऊपर से नीचे नहीं है नीचे से ऊपर है, उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है वो एक अलग बात हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट हम ये करेंगे, समझ आया. तो बताओ इसी में चेंजेस करके बताऊं मैं, बोलो ये 1:2 ऐसे रेशियो, ठीक है ओके फाइन, लेकिन इसका जो ये पॉइंट है वो भी एच कॉमा के करना है आपको, ठीक है बोलो एच कॉमा, बाकी यहां तक सेम यहां तक सेम यहां तक सेम, ये ए कोमा बी मिड पॉइंट वाली बात हटा दूंगा मैं और डिवाइड वाली बात लिख दूंगा, डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, ठीक है पी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एच कोमा के डिवाइड्स ए बी, डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, इन द रेशियो 1:2. तो अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगा, बस मिड पॉइंट केस नहीं यूज करूंगा, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगा, तो ना मिड पॉइंट केस है ही नहीं अभी, तो फिर सेक्शन फॉर्मूला ओरिजिनल जो था वो यूज करना पड़ेगा, m1 x2 और वो सारा,
बोलो जो भी गेट ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है एच, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट की बात करो, सो 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 सम ऑफ रेशियोज, ऐसे ही करेंगे बोलो। सो 2 इंटू एक्स यानी 2x प्लस 1 इंटू 0, एक बार तो लिखो 1 इंटू 0 नेक्स्ट स्टेप में कर देना, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, फाइन। एंड लगे हाथ के कोऑर्डिनेट भी बताओ, मतलब वाई कोऑर्डिनेट भी बताओ, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए बोलो 2 इंटू 0 और 1 इंटू वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ऐसे करेंगे 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो यहां से अगेन एक्स की और वाई की वैल्यू निकल सकती है, बोलो क्या निकलेगी, ये क्या हो जाएगा 2x/3। चलो एक बार लिख देता हूँ मैं, एच इज इक्वल्स टू 2x/3 एंड इधर क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू y/3, फाइन। तो एच इक्वल्स टू 2x/3 से एक्स की वैल्यू चाहिए आपको, तो ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू बोलो 3h/2, फाइन बोलो। और यहां से वाई की वैल्यू हो जाएगी 3k, डन। पुट अप करूं तो जो एक्स इंटरसेप्ट है और वाई इंटरसेप्ट है वही तो चेंज होगा, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या निकला मेरा 3h/2, तो एक्स डिवाइडेड बाय 3h/2 एंड वाई डिवाइडेड बाय 3k इक्वल टू 1। तो यहां से इक्वेशन बनाओ तो देखो 1/3, 1/3 कॉमन आ रहा है, 1/3 को उधर भेजें 3 बन जाएगा, 2 को ऊपर पहुंचाओ, तो 2x/h प्लस y/k इक्वल टू 3, मैच करना आंसर, इसमें तो फाइंड आउट ही करनी थी वैसे भी। अच्छा और सॉल्व किया है ना, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं रखा और सॉल्व किया, तो आप एच एच के को एलसीएम ले लेंगे, राइट। सो ये क्या हो जाएगा 2 hk को एलसीएम ले लूं मैं एच इन टू के को, तो इट इज लाइक के से ये मल्टीप्लाई होगा, 2 2xk नहीं लिखेंगे, 2kx लिखेंगे, x वेरिएबल है 2k उसका कोएफिशिएंट रहेगा, 2kx प्लस hy इक्वल टू 3 एंड नेक्स्ट स्टेप में इसको भी उधर ले जाएंगे, सो 2kx x वाली टर्म, ये y वाली टर्म और वो कांस्टेंट है 3hk, डन। इस फॉर्म में है फाइनली, ओके। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आइए यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एमसीक्यू में आए, अभी आप एंट्रेंस एग्जाम फाइट करेंगे, नंबर ऑफ एंट्रेंस एग्जाम यू आर गोइंग टू फाइट इन द कमिंग 2 और 3 ईयर्स, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो व्हाट यू विल डू, देखो इधर स्क्रीन पे एक्स तो लगाना ही, वाई तो लगाना ही नहीं, रेशियो 1:2 है, तो रेशियो क्या है 1:2, तो 2:1 उल्टा, पहले तो मिड पॉइंट था तो 1:1 था तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, अभी तो रेशियो है ना उल्टा कर दो, उसके बाद जो भी मिड पॉइंट गिवन है वो तो नीचे, एच के जो भी मिड पॉइंट गिवन है वो नीचे, इधर सम ऑफ रेशियोज लिख देना, दैट्स इट, इधर आरएचएस में क्या लिख देना सम ऑफ रेशियोज। देखो पिछले क्वेश्चन में भी फॉलो हो रहा है, 1:1 था तो 1 इंटू एक्स 1 इंटू वाई एक्स और वाई, नीचे मिड पॉइंट ए और बी था ही सही, और सम ऑफ रेशियो 1 प्लस 1 2, समझ आया। सो एक क्वेश्चन आप बताओ, अगर मैंने कहा इसी में ही लाइन काट रही है ऐसे, मिड पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट नहीं दे रहा हूँ मैं, स्पेसिफिक रेशियो दे रहा हूँ, मैं रेशियो दे रहा हूँ आपको 3:5, ये 3 ये 5, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं आपको देता हूँ लेट्स से 7.8, क्या इक्वेशन बनेगी सोचो, इंटरसेप्ट फॉर्म में बता दो चाहे से जनरल, 5x/7 भाई, एक्स के साथ और वाई के साथ रेशियो उल्टा फॉलो होगा, 3:5 है तो 5 और 3 होगा, अब नीचे क्या होगा जो मिड पॉइंट है 7 और 8 है, तो 7 और 8 प्लस और सम ऑफ रेशियोस 5 और 3 8, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ये बन जाएगी, आगे का काम आप इसको जनरल फॉर्म में 8 और 7 का एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, वो एक अलग बात, इंटरसेप्ट फॉर्म तो डायरेक्ट एक ही स्टेप विदाउट यूजिंग पेन आप बता सकते हो इस ट्रिक से, ठीक है क्लियर है, ठीक है। आप चाहो तो ये बातें आपके क्वेश्चन के बाद नोट डाउन भी कर सकते हो, आपकी लैंग्वेज में नोट डाउन करो, मेरी लैंग्वेज में नहीं, क्योंकि मुझे तो याद है, मुझे तो पता है आपको आगे के लिए कैसे लंबे समय तक याद है, ओके ना, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब 3 कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स या 3 और मोर पॉइंट्स हमने प्रूव करी थी इससे पहले यूजिंग व्हाट, यूजिंग स्लोप ऑफ लाइन, लाइन के स्लोप से प्रूव करी थी कि हम क्या करेंगे 3 पॉइंट से उससे 2 लाइन सेगमेंट्स बना लेंगे, जैसे ए बी सी है तो हम उससे 2 लाइन सेगमेंट्स बना देंगे ए बी और बी सी, फिर हम ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप निकालेंगे, 2 पॉइंट्स गिवन है, स्लोप अगर बराबर आ गया तो ए बी पैरेलल बी सी, अगर ए बी पैरेलल बी सी है तो बी तो कॉमन पॉइंट है,
यानी कि ए बी और बी सी एक ही लाइन पर है, इससे प्रूव हो जाएगा तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन ऑफ लाइन से पता करो, तो आप ए बी और बी सी जैसे पहले मान रहे थे वैसे ही मानो, ए बी और बी सी का स्लोप निकाल रहे थे ना, उसकी जगह इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी टू पॉइंट फॉर्म, दो पॉइंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी अगेन टू पॉइंट फॉर्म, तो उसमें स्लोप इक्वल आ रहा था, इसमें इक्वेशन इक्वल आएगी, तो इक्वेशन इक्वल आ जाएगी तो अगेन प्रूव हो जाएगा तीनों लाइन तीनों पॉइंट्स कोलिनियर। तो ज्यादा लंबा प्रोसेस है वैसे देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ लाइन से प्रूव करना, ज्यादा आसान तो वही है कि स्लोप ऑफ लाइन से प्रूव करो। लेकिन अब उसने स्पेसिफिक कहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन से ही बताओ, इसलिए अपने मजदूरी उससे करना पड़ेगा। समझ गए, क्लियर? तो मैं क्या मानूंगा, एक पॉइंट मान लो, एक ए बी सी मानना है ना मुझे, तो एक लाइन तो मैं मान लूंगा ए और बी, ठीक है, और एक लाइन मान लूंगा मैं बी और सी, ठीक है, ए बी बी सी, और दोनों की इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, -2, अगेन बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -2, -2, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बनाया मैंने, एक्सिस नहीं ड्रॉ करी, एंड 8, 2, ठीक है, क्लियर। कोई कहे कि सर कोलिनियर प्रूव करना है ना, तो एक ही लाइन में रखो बेटा, तो प्रूव करना है ना, गिवन थोड़ी ना, तो हाल फिलहाल हम मानते हैं कोलिनियर नहीं है, हाल फिलहाल हम मानते हैं ये दोनों अलग अलग हैं, कोलिनियर नहीं है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, चले आगे। सो द स्टेप्स विल बी लाइक दिस, कि हियर द 3 गिवन पॉइंट्स आर, पॉइंट्स आर, बोलो ए, ए क्या है 3, 0, कॉमा बी क्या है -2, -2, एंड सी क्या है 8, 9 है, 2 है, 8, 2 है वो, ठीक है, डन, ओके फाइन। तो पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी इन टू पॉइंट फॉर्म, क्योंकि दो पॉइंट्स गिवन है, डेटा जो गिवन होगा उसी से इक्वेशन बनाई जाएगी, इन टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म इज गिवन बाय, ठीक है। सो बता दो एक बार कैसे बनती है, बोलो, टू पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन, हाँ होल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, सो लेट्स पुट द वैल्यूज, दैट इज y माइनस, अब x1 y1 जब a b को मान रहे हो तो a के कोऑर्डिनेट x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो यहाँ पे y माइनस y1 x1, तो a के कोऑर्डिनेट से आएंगे, यानी 3, 0 आएगा, तो y माइनस 0 एंड x माइनस 3, डन। अब स्लोप निकालेंगे तो b माइनस a करेंगे, यानी -2, -0 और इधर -2, -3, ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है, सो y माइनस 0 गिव्स मी y, -2, -0, -2 एंड -2, -3, -5, दोनों जगह माइनस तो प्लस बना दो, क्या बचा x माइनस 3, 5 को इधर 2 को इधर, सो 5y इक्वल टू 2x-6, 5y को भी इधर बुलाएंगे, जनरल फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे तो 2x-5y-6=0, इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, यही बनी है। चलो लगे हाथ बी सी की भी बताओ, ठीक है, ये स्टेप लिख दूंगा मैं, अब लाइन बी सी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, कॉपी पेस्ट कर देना यही, कि अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी इन द टू पॉइंट फॉर्म इज गिवन बाय, वही फॉर्मूला लगेगा। अब बी सी के लिए क्या करूंगा मैं, बी के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन और सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स टू वाई टू, ऐसे करेंगे बोलो, सो दैट इज वाई माइनस बी के कोऑर्डिनेट्स, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, -2, तो वाई -2, ठीक है, और इधर आ जाओ x-2, ठीक है, इक्वल टू, अब y2-y1 x2-x1, तो y2-y1 एंड c-p, तो 2-2 डिवाइडेड बाय 8-2, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा क्या, हाँ y+2 इंप्लाइज y+2, 2+2, 4, 8+2, 10, x+2, ठीक है, तो ये 2 से एंड 5 से कट गया, 5 को इधर भेजो तो 5y+10 और 2x+4, सो 5 दोनों को इधर लेके आओ, सो 2x-5y और 4-10 इज माइनस, या 4 को उधर भेज दो या इधर ले आओ, कैसे भी कर लो, इक्वल टू 0, सेम इक्वेशन बनी, टेल मी,
टू एक्स माइनस फाइव वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो जैसे स्लोप सेम आता था तो तीन पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते थे, इक्वेशन सेम आ गई तो भी हम लिख देंगे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर। कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, ये हो गया यहाँ तक, तो हम लिखेंगे हेयर द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एंड लाइन बी सी आर इक्वालेंट, इक्वालेंट या तो सेम हूबहू शक्ल की, और सपोज करो मैं यहाँ पे इसको नहीं काटता, आप एक काम करना इसको काटना मत, ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ हम लिखना चाहते हैं वो चीज़ ज़्यादा उससे क्लियर होगी। देखो इसको नहीं काट रहा हूँ मैं, है ना, अब क्या होता मुझे बताओ ज़रा थोड़ा सा, फोर को टेन को मल्टीप्लाई करते आप बोलो, तो टेन को मल्टीप्लाई करना ज़रा, टेन वाई प्लस ट्वेंटी, और फोर को मल्टीप्लाई करना ज़रा, फोर एक्स प्लस एट, एट, तो ये क्या बनेगा, फोर एक्स माइनस टेन वाई, और उधर जाएगा ट्वेंटी माइनस एट ट्वेल्व। इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ो, अब अपन लिखेंगे ये इक्वालेंट है, देखो सेम रेशियो है, ए वन बाय ए टू, बी वन बाय बी टू, सी वन बाय, ये माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो फॉर्मेट में डाल दिया, तो सी वन बाय सी टू इक्वल टू जीरो, समझ गए। क्योंकि वैसे तो देखो अगर सॉल्व करना होता तो मैं ऑब्वियसली टू कॉमन लेता और ऐसे छोटे से छोटी इक्वेशन बनाता, लेकिन अभी क्वेश्चन का पूछने का चीज कुछ अलग है, अब हम सेम सेम रख देंगे तो वो इतना ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई दे रहा है, अलग अलग रख के और हम इसको प्रूव कर देंगे बेटा ये तो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तीन लाइन सीखी थी अपन ने, पहली लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन इसमें ए वन बाई टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई टू, दूसरी पैरेलल लाइन इसमें ए वन बाई टू इज इक्वल टू बी वन बाई टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तीनों ही सेम है तो ये कोइंसिडेंट लाइन्स है ना, ए बी के ऊपर बी सी कोइंसाइड कर रही है तो कोइंसाइड कर रही तो ए बी सी एक ही लाइन पे आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा इधर, आर इक्वालेंट एंड आर इक्वालेंट equivalent and they form the equations of two coincident lines, equations of two coincident lines, ठीक है, hence a b and c are collinear रूट, ठीक है। अब वो टेंथ का वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना सीधे सीधे, वो आपको खुद को मन में सोच लेना है कि ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू का रेशियो क्या रहा है, दिखाना नहीं है यहाँ पे कि वो भी रेशियो भी वन बाई टू, ये रेशियो भी वन बाई टू, ये रेशियो वन बाई टू, लिख दिया ना, कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं तो ए बी सी सेम लाइन पे लाया करेंगी आर को, क्लियर है, ठीक है, हो गया एक्सरसाइज ओवर। सो पांचों फॉर्म्स पे क्वेश्चंस किए हमने, ठीक है, अब क्या है तीसरा और आखिरी टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो इस वाले टॉपिक में हमने क्या किया था, पांच जो क्वेश्चंस गिवन थे उससे डायरेक्टली हमने पांचों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म को यूज करके इक्वेशन बनाई थी, जैसे इससे पिछली फॉर्म में इंटरसेप्ट फॉर्म से बनाई थी, उससे पिछली इस फॉर्म में हमने टू पॉइंट फॉर्म से बनाई, उससे पिछले किसी और फॉर्म से बनाई, हमने डेटा से कोई एक फॉर्म यूज करके इक्वेशन बनाई और अल्टीमेटली उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट की, ये प्रोसेस था। अब उल्टा प्रोसेस हो, अब जनरल फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगी उसमें से डेटा पूछेगा, बताओ उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, बताओ उसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, बताओ उसमें दो पॉइंट कौन कौन से लाया कर सकते हैं, बताओ उसमें थीटा क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, उल्टा काम हो जाएगा। तो यानी कि जनरल फॉर्म में अगर इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो उसमें से कैसे एंगल निकालते हैं, कैसे दो पॉइंट निकालते हैं, कैसे उसका इंटरसेप्ट निकालते हैं, उसके डेटा में से ये हम थर्ड एक्सरसाइज में, यानी जो भी हमने किया जस्ट इसका उल्टा काम हम अगले एक्सरसाइज में करने वाले हैं, ठीक है। तो कल ही करें उसको, क्या टाइम हो गया, हो गया, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग बाय।